तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में जो है बूलियन अलजेब्रा पढ़ाने जा रहे हैं, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। लेक्चर 1 नंबर 1 में बता चुके हैं बाइनरी के बारे में, और उसी से रिलेटेड टॉपिक था बूलियन अलजेब्रा। तो देखिए, बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत जो पढ़ना है, या अगर इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया और कुछ रूल है वो अगर जान गए, तो बूलियन अलजेब्रा से आपको एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन जो आता है इस टॉपिक से, है ना, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो देखिए कहता क्या है, ये नॉन एम्प्टी सेट बी विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन, एक एडिशन ऑपरेशन, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। याद रखिए, 2 तरह के होता है, एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को डॉट देकर भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टार देकर भी आप कर सकते हैं, है ना। ये अनली ऑपरेटर जो है ऑपरेशन, एक डैश है, डैश मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का साइन दिया हुआ है, है ना। एक और भी ऑपरेशन दिया गया अदर, वो क्या है, डैश है, जो कॉम्प्लीमेंट में काम आएगा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 2 अलग अलग एलिमेंट्स है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 0 एंड 1, देन बी इज ए कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। तब बी को हम लोग बूलियन अलजेब्रा बोल सकते हैं, कब, जब इफ द फॉलोविंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, या इफ द फॉलोविंग एग्जिस्ट होल्ड, यानी कि यह जो रूल को फॉलो कर दिया तो समझ जाए कि यह बूलियन अलजेब्रा को कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, और वह बूलियन अलजेब्रा है। और यही बता दें कि जितना जो आगे रूल फॉलो होगा तो यही आपको चारों कंडीशन को अप्लाई करना है, इससे अदर कोई कंडीशन नहीं है, चारों को समझिए। कहता क्या है, B1 जो है, है ना, रूल नंबर 1 जो B1 जो है, कहता है कमोटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कोई भी 2 एलिमेंट उठाया जाए बी से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए और बी हो, एक्स वाई भी हो, कैपिटल ए कैपिटल बी, कुछ भी हो सकता है ना, उठाया जाए बी से, दोनों का सम जो है हमेशा क्या होता है, कमोडेटिव होता है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, कमोडेटिव होता है, बहुत इजी सब जानते हैं पहले से। B2 जो है आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करता है। आइडेंटिटी लॉ कहने का मतलब है कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू बी, तो ए प्लस 0 इजकल टू ए, एंड ए इंटू 1 इजकल टू ए, या 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको, ये कंडीशन आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। B3 जो है, प्रैक्टिस करना होगा कि B3 जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। कोई भी 2 एलिमेंट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू बी, 3 एलिमेंट जो है ए बी सी जो है बी से उठाया गया है, जो ए प्लस बी इंटू सी इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इस तरह से होता है। या तो ऐसा हो a इंटू बी प्लस सी, तो क्या होगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यह कंडीशन को, और यह कंडीशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, और यह जो है आइडेंटिटी लॉ हो गया, B2 के माध्यम से हो गया, और B1 क्या कहता है, कमोटेटिव होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ, यह B4 है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सबके सब इसमें जो है चारों कंडीशन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, तो आगे चलते कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फॉर ईच ए बिलोंग टू बी, देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश, यानी कम्प्लीमेंट ऑफ ए इन बी, सच डैट ए प्लस ए डैश इजकल टू 1 एंड ए इंटू ए डैश इजकल टू 0। ये दोनों कंडीशन हम बता रहे हैं, है ना, एक एडिशन के लिए ऑपरेटर भी है, एक मल्टीप्लिकेशन भी है, दोनों को दोनों फॉलो कर रहा है। तो यानी कि B1, B2, B3 और B4, ये चारों कंडीशन जो है ना, एग्जिम्स जो है आपका किसका, बूलियन अलजेब्रा का, ये चारों कंडीशन ये फॉलो करता हो तब वो बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। और जितना भी न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका, या आगे रूल पढ़ेंगे, सब यही चारों कंडीशन को पुट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। फिर से बता दें आपको कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अदर अदर बुक में अलग अलग तरह का है, और एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जब सेट होता है तो ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन सेट होता है तो कोई एक बुक से होता नहीं है, अदर अदर बुक से करता है, तो वह रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर किस तरह से हम लोग और भी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि दाज वी डिनोट
ए बुलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा बाय किससे, एक बी एक सेट था आपका, एक एडिशन ऑपरेशन, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन को बहुत जगह स्टार देके भी किया है बहुत लोग। फिर आपका लिया गया है कॉम्प्लीमेंट, फिर लिया गया जीरो, फिर लिया गया वन। इतना सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया, इतना क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग, एक अलजेब्रिक का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बूलियन अलजेब्रा बोल सकते हैं। नोट में लिखवा दें आपको कि बहुत लोग देखिए ए स्टार बी दिया हुआ हो, या ए इंटू बी दिया हुआ हो, या केवल ए बी दिया हुआ हो, सब सेम है ना। ऐसे दिया हुआ हो या ऐसे दिया हुआ हो, है ना, ए स्टार बी या ए इंटू बी या ए बी ऐसे दिया हुआ हो ना। यहाँ पर दूसरा नंबर है कि एडिशन को हम लोग यहाँ पर भी देके भी रिप्रेजेंट किया गया है। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग ना कि जो एडिशन ऑपरेशन करता है वही भी क्या काम करता है। भी मतलब क्या हो गया, यह कंजक्शन होता है, एक डिजक्शन होता है, जो हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तीसरा नंबर है स्टार देके बोले या तो डॉट देके बोले, मल्टीप्लिकेशन है, इसको उल्टा भी करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डिजक्शन बोलते हैं। ये कंजक्शन हो गया, डिजक्शन हो गया, इस तरह से है ना, जिस तरह से हम लोग एक लॉजिक जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आगे चल करके। फोर्थ नंबर जो है ए का डैश बोले या इस तरह बोले या ए के पावर सी बोले, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। सब तीनों के तीनों इक्वल रिप्रेजेंट है, किसी भी माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं ए डैश ए के पावर सी, है ना, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरह आता है, कभी इस तरह आता है, कभी इस तरह दिया है ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। सब का सैम्पल जो हम इक्विटी बता दे रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख के हम क्लियर करते हैं इसको, कि एग्जाम्पल के तहत ये जान लीजिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन को भी हम लोग एक पावर सेट लेते हैं, और पावर सेट को भी हम लोग दिखा सकते हैं कि वह भी एक बूलियन अलजेब्रा है ना। तो अलग अलग दो तरह के एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों को हम साबित करेंगे भी कि यह बूलियन अलजेब्रा है। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में साबित करने के लिए आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर अगर बनाने के लिए जानते हैं तो कोई भी स्ट्रक्चर देगा तो आप बना करके दिखा सकते हैं कि यह उसका बूलियन अलजेब्रा है कि नहीं, और स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एग्जाम्पल आपको यह रिप्रेजेंट करेगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम कि लेट एस बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड पी एस जो माना गया यहाँ पर बी द पावर सेट, पावर सेट, और इसके साथ पावर सेट ऑफ एस बोला है, देन पी एस जो होगा इज ए बूलियन अलजेब्रा होगा, अलजेब्रा विथ रिस्पेक्ट टू अगर सेट है, पावर सेट है, तो क्या हुआ, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो दिखाएंगे क्या, कॉमोटेटिव बी वन, यानी कि बी वन जो था क्या था, कम्यूटेटिव लॉ था। तो फॉर ऑल ए और बी दो सेट लिया गया है, किसमें बिलोंग टू पावर सेट पी एस, जैसे बी था यहाँ क्या है, पी एस है, पहले हम लोग सेट माने थे बी, उसके जब क्या कर रहे हम लोग पी एस ले रहे हैं।
वी नो डैट चाहे फ्रॉम सेट थ्योरी से वी नो डैट कितना कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, यानी भी क्या है कम्यूटेटर लॉ फॉलो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, ये होता है पहले से, ये क्या कर रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन मिला क्या कर रहा है कम्यूटेटर लॉ को फॉलो कर रहा है, एक एक एडिशन शो कर रहा है तो एक मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है। तो दूसरा लॉ का था, दूसरा लॉ था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी लॉ मैंने बी टू है ना। तो फ्रॉम सेट थ्योरी से ही हम लोग जानते हैं पहले से फाई, वी नो डैट एक फाई है जो जीरो काम करेगा एंड एस है जो वन काम करेगा जो बिलोंग टू कितना हुआ पी एस, बिलोंग टू पी एस, सच डैट एक सेट ए लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या दिया हमको ए दिया, देखिए क्या था ए इंटरसेक्शन मैंने यूनियन था ना, यह ए था ए यूनियन फाई कितना हुआ ए देगा एंड ए इंटरसेक्शन एस क्या देगा हमको ए देगा, दोनों कंडीशन क्या दे रहा है ए दे रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू पी एस। यहाँ बता दें कि फाई क्या काम कर रहा है जीरो का, एस क्या काम कर रहा है यहाँ वन का, देखिए मिला करके ए प्लस जीरो क्या दिया ए, फिर क्या दिया ए इंटू वन क्या दिया ए दिया, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि फाई एंड एस जो है एक एज जीरो एंड वन, जीरो एंड वन, एक जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक वन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जिस तरह से ए फॉलो किया और इस तरह से आई एन टी भी फॉलो कर रहा है किसका बी टू के लिए, मेरा बी टू में जो कंडीशन बताया गया था आपको, इस तरह से हम लोग है ना दो लॉ साबित किए और दो को और साबित करना होगा आपको, जिसको बोल सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कॉम्प्लीमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बी थ्री बोल सकते हैं ना, वी नो डैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका सेट थ्योरी रिप्रेजेंट करता है कैसे, ए सेट थ्योरी से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिए उसमें क्या था ए प्लस था बी इंटू सी था, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी था, यानी यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन का ऑपरेशन का और यहाँ इंटरसेक्शन ऑपरेशन कर रहा है इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट का यानी कि मल्टीप्लिकेशन का, यानी फॉलो कर रहा है एक कंडीशन और इसमें होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो जिस तरह से बोनियल अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है उस तरह से इसका भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है आपका। अब तीसरा लॉ था आपका कॉम्प्लीमेंट, चौथा था कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ इसमें क्या हुआ कि फोर एनी एक सेट ए लेते हैं जो बिलोंग टू पी एस होगा पावर सेट के अंतर्गत, और अगर एस माइनस ए दिया जाए तो क्या कॉम्प्लीमेंट होगी आपका, ये भी क्या हुआ बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी एस,
such that A union S minus A, S minus A माने क्या हो गया, A का डैश, A का डैश इक्वल टू क्या हुआ, S होगा एंड A इंटरसेक्शन S माइनस A क्या दिया, फाइव दिया। यानी कि यहाँ बताया थे आपको कि S रिप्रेजेंट कर रहा है वन का और फाइव रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो का। तो देखिए A प्लस A का डैश क्या दिया, वन दे रहा है, A इंटू A का डैश क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है ना। यानी सेट फाइव क्या कर रहा था, जीरो के लिए, S क्या है, वन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि वही कंडीशन फॉलो कर रहा है जो होता था आपका बी फोर में कॉम्प्लीमेंट के लिए, सेम टू सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। तो लिख सकते कि दस एवरी कॉम्प्लीमेंट एवरी एलिमेंट ए इन पी एस हैज कॉम्प्लीमेंट जो हो रहा क्या, ए का डैश या ए के पावर सी दे दीजिए, ऐसे लिखिए ए का डैश या ए के पावर सी क्या हो रहा है, एस माइनस ए। ये भी क्या है इन पी एस, ये भी क्या है पी एस में बिलोंग कर रहा है ए डैश, इसलिए बोल सकते हैं पूरा मिला करके क्या तैयार हुआ मेरा, एक बी के जगह पर पी एस लिया गया था सेट पावर सेट, एक यूनियन लिए, एक इंटरसेक्शन लिए, एक डैश कॉम्प्लीमेंट लिए, एक फाई लिए और एक एस लिया गया। यानी एक तरह से बी है या एडिशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट है, जीरो है, वन है, जब सेम टू सेम यह जो सेट थ्योरी के लिया गया यही कंडीशन ये बुलियन अलजेब्रा के चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यानी ई भी क्या बन गया, एक बुलियन अलजेब्रा बन गया। बोलते तो ई जे बुलियन अलजेब्रा। अब एक एग्जांपल और एक और नोट पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर नोट पर लिखवा दे रहे हैं, इसे मान लीजिए कि इफ एस हैज एन एलिमेंट, एस के पास एन एलिमेंट हो देन इसका पावर सेट कितना होगा, पी एस कॉन्टेन टू टी पावर एन एलिमेंट, टू टी पावर एन एलिमेंट। सेट थ्योरी में पढ़े होंगे इसको आप, है ना, कि अगर एस के पास ए इफ एस हैज एन एलिमेंट, क्या है एन एलिमेंट है, देन पी एस क्या है कॉन्टेन करेगा पावर सेट टू टी पावर एन, जितना पावर सेट बनेगा टू टी पावर एन बनेगा। तो यह था एक सेट थ्योरी के माध्यम से कि हम लोग, है ना, और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं हम। जैसे जीरो वन को लेकर के यह साबित कीजिए कि एक सेट है जिसमें जीरो और वन है, दो एलिमेंट लिया गया केवल एक सेट में, और साबित कीजिए कि यह भी एक बूलियन अलजेब्रा है। एग्जांपल नंबर टू, सो डैट द सेट बी इक्वल टू जीरो वन टुगेदर विथ द ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड ए कॉम्प्लीमेंट डैश डिफाइनेड बाय द फॉलोविंग टेबल फॉलोविंग टेबल इन ए बुलियन अलजेब्रा तो यह टेबल को देख करके हम लोग चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे
फर्स्ट टेबल लिया गया एडिशन के लिए 01, इधर भी क्या 01, तो 0 प्लस 0 क्या देगा 0, 0 प्लस 1 क्या दिया 1, 1 प्लस 0 कितना देगा 1, और 1 प्लस 1 2 नहीं होता है बल्कि क्या होगा 1 ही होगा आपको यहाँ पर। फिर अगर देखा जाए 01 को लेते हैं, एक सेट में केवल 01 है, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो 0 मल्टीप्लिकेशन 0 0 देगा आपको, 0 मल्टीप्लिकेशन 1 0 देगा, 1 मल्टीप्लिकेशन 0 0 देगा, और 1 मल्टीप्लिकेशन 1 क्या देगा 1 देगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं अगर ऐसा लेते हैं कॉम्प्लीमेंट तो 01, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, ये भी याद रखिएगा आगे चल के यूज करेंगे हम लोग कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 कितना हो गया 1 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 कितना हो गया 0। तो ये जो तीन तरह के टेबल है तीनों तरह के माध्यम से हम वो आप B1, B2 और B3 और B4 सब के सब इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, सब के सब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिया गया सेट जो है बी एडिशन मल्टीप्लिकेशन डैश 01 ये सब लिया गया है। 01 नहीं लिखेंगे यहाँ पर बल्कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह पर क्या है 01 सेट है, यह दोनों इंडिकेट कर रहा है 01 इज बूलियन अलजेब्रा, ये क्या है एक बूलियन अलजेब्रा है, ये सब टेबल में आपको काम आएगा है ना। ये एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल आगे चल के काम आएगा आपका है ना टेबल के अंतर्गत। तो आज हम केवल डिफिनेशन और उसका बूलियन अलजेब्रा का एग्जाम्पल दिए, अगर इसको प्रैक्टिस कर लें आप फिर से रिपीट कर दें B1, B2, B3, B4 आपको कंट्रास्ट करना चाहिए एडिशन ऑपरेशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए, दो सिस्टम है दोनों सिस्टम जो है एडिशन और ऑपरेशन सिस्टम बोल दिया, यानी कि वहाँ पर ए बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ B1, B2 और B3, B4 चारों कंडीशन आपको पूरा के पूरा प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके हम जो इसका रूल पढ़ेंगे थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी लेंगे आपका लेक्चर 3 में आपका इससे कुछ थ्योरम के साथ।